हमारे देश में सबसे ऊंचा ओहदा जवानों और किसानों का है। देश की रक्षा में शहीद होने वाले जवानों के परिवार के लिए सरकार कई बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार के इन वादों की हकीकत अक्सर कुछ और ही निकलकर सामने आती है। भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध में शहीद हुए भिंड के लाल राम लखन गोयल की पत्नी को महज 135 रुपए की पेंशन मिल रही है और परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों का कब्जा खाली करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और प्रशासन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और रक्षा मंत्रालय के आदेशों को भी दरकिनार कर मनमानी पर उतरा हुआ है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में 13 दिन चले युद्ध में भिंड के 22 जवानों ने शहादत देकर देश का गौरव बढ़ाया था। 13 दिन चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था। इस युद्ध में भारत के 12,000 सैनिक घायल हुए थे, वहीं 3,000 सैनिकों ने देश की रक्षा में प्राण न्योछावर कर दिए थे। इन योद्धाओं में भिंड जिले के 22 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें से एक राम लखन गोयल भी थे। आज उनका परिवार न सिर्फ अनदेखी बल्कि मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार हो रहा है। शहीद की पत्नी लीला कुमारी ने खुद अपना दर्द बयां किया है। मुख्यमंत्री से करी, शिवराज सिंह से करी, शिवराज सिंह ने लिख के भेज दिया कि हमारी जमीन जी बेटों को दिलाई जाए, तो भी यहाँ का शासन कलेक्टर ने सुने, एसपी ने तो सुनी ली थी, तो उन लोगों ने बंद भी करा था, केस चल रहा हो। तो यहाँ का कलेक्टर तो जो आता वो कभी सुनता ही नहीं, कागज सब ले जाते हैं जो शहीद वाले से फेंक देता, अलग कोई नहीं सुनता। जब कभी 15 अगस्त 26 जनवरी 15 अगस्त तो कई छोड़े, हम खूब गए कलेक्टर साहब से कही देख लूंगा, 26 जनवरी को गई, वैसे कार्यक्रम 16 दिसंबर को होता तब बताते, कुछ नहीं सुनाई होती। शहीद की पत्नी लीला कुमारी ने बताया कि उनके जाने के बाद शासन से मदद के नाम पर 135 रुपए की पेंशन, शहीद कॉलोनी में एक मकान और सम्मान के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकर 2000 रुपए दिए थे। उसके बाद से आज तक किसी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली है। आज शहीद परिवारों को जैसा सम्मान और सुविधाएं दी जाती है, उससे अलग यहाँ कोई ये जानने की भी कोशिश नहीं करता कि परिवार किस हाल में है। 135 लला रुपया पेंशन मांग दी थी और 2000 रुपया इंदिरा गांधी दे गई थी 26 जनवरी को 1972 में। उसके अलावा कुछ नहीं मिला। अच्छा। भाई से गुजारा करते रहे, अब आए के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मिल गए, और वैसे कोई एक जी मकान दे दिया था। एक तरफ जहां हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए पैरा कमांडो जितेंद्र वर्मा को सीएम शिवराज ने अंतिम विदाई दी और उनके परिवार को सम्मान के रूप में 1 करोड़ की राशि, पत्नी को सरकारी नौकरी और तमाम सुविधाएं देने की घोषणा की है। वहीं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भिंड के वीर सपूत शहीद राम लखन गोयल का परिवार आज जीवन यापन करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। शहीद परिवार को सरकारी मदद तो दूर, निजी जमीन पर भी दबंगों ने कब्जा कर लिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय से लेकर सीएम शिवराज ये जमीन वापस दिलाए जाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन अपनी मनमानी पर तुला है। जमीन हमें नहीं दी है, हमारी जो पिताजी की जमीन है वो भी छीने हैं गांव के लोग। अच्छा। हम अकेली बेटी है अपने पिताजी की, तो वो भी नहीं हमें मिल पा रही। हम तायनात लड़ाई लड़ रहे, बराबर लड़ाई लड़ रहे कि हमारे बाप की जमीन हमें दिला दो, वो भी शासन नहीं दिला पा रहा। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की, कहाँ जमीन है? हमारी जमीन यही है, पास में यहाँ से 3 किलोमीटर है। अच्छा। नहर के पास में ही हमारे पिताजी जमीन, हम लोकल के रहने वाले पिताजी थे, वहीं से शादी हुई थी, तो वो हम अकेली लड़की थे पिताजी के, तो वो भी जमीन हमें आज तक नहीं मिल पा रही। भी गांव के लोग कब्जा करेंगे, जब हमारे पिताजी के नाम इंदिराज है, वो भी जमीन नहीं मिल पा रही। यहाँ के अधिकारी भ्रष्टाचार हैं, तो बिनकी गोरी पक्ष में फैसला हमारी तरफ को आ जाए तो कर देते, और उनकी तरफ भी कर देते, ये फैसला कैसा होता? फैसला तो एक माना जाता। शहीद की पत्नी का आरोप है कि शहीद परिवारों को 15 अगस्त 26 जनवरी या शहीद दिवस पर बुलाया जाता है और उन्हें शॉल श्रीफल और सम्मान पत्र थमा दिया जाता है, लेकिन इस सम्मान के उलट उनकी परेशानियां कोई नहीं सुनता। शहीद राम लखन गोयल 1968 में भारतीय थल सेना का हिस्सा थे। 3 साल बाद जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो भिंड के 22 शहीद जवानों में उनका भी नाम शामिल था। वे अपने पीछे एक पत्नी लीला कुमारी और 6 महीने का बेटा छोड़ गए थे।
प्रशासन यहाँ का भिंड का तो करता ही नहीं बिल्कुल, ऊपर से तो आदेश आ जाए यहाँ सब कैंसिल कर दिए थे। माता जी, फिर आप अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं? जीवन तो हमारी आत्मा जानती कि हम जानते हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हम कैसे काट के ले आए। आपके पति शहीद हुए इस देश के लिए और यहाँ का स्थानीय जो महकमा है वही आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं करता बिल्कुल, ऐसा है जो महसूस करती हूँ बिल्कुल नहीं करता। क्या करने, उन्हें जान कल मर जा, उन्हें क्या करना। आप क्या अपील करना चाहेंगी? अब अपील तो यही करना चाहती जो हमारा हक है वो दिलाया जाए, जमीन जा जाते हमारे मतलब भाई बहन है चाचा था उनके, वो जमीन बिल्कुल भीख सी मांग के खा रहे हैं जमीन, आजकल कुछ मजूरी नहीं मिलती। हम तो सोच रहे थे वो उनके सारे उनके बीच में जिंदगी पार करी तो वो जमीन भी हमें मिल जाए तो कुछ उनको भी पालन पोषण चले, सो कुछ नहीं मिलता। शहीद की पत्नी लीला कुमारी ने बताया कि दिवाली से पहले ही सीमा के लिए वो कूच कर गए थे, कुछ दिन बाद टेलीग्राम के जरिए खबर आई कि युद्ध में वो शहीद हो गए हैं। परिवार को उनका शव भी देखने को नहीं मिला। लीला देवी ने बताया कि उस दौरान तो शहीदों के शव भी नहीं आते थे, ऐसे में उस टेलीग्राम ने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। टाइम तो टेलीग्राम आ तो कोई मोबाइल वगैरह कुछ तो ही नहीं, सूचना टेलीग्राम आ तो डाक द्वारा। डाक द्वारा क्या जानकारी दी गई उसमें? हमें तो पढ़ाए ही नहीं गए, तो हमारे ससुर को नहीं पढ़ा हुआ, गाँव वाले लेके आए थे। गांव वाले ने वैसे द्वारे को पढ़ाए जाएंगे, कब पहले के जमाने को पढ़ो लिखो तो नहीं ज़्यादा, तो हमारे तो गांव में आए एक मास्टर रहते इतने पढ़ो सब ने भी नहीं बताया रही थी, धीरे धीरे चर्चा चलने लगी तो गांव में हंकार मचल लगी, रुआ पीटी मचल लगी, ऐसे पता चला था। उसमें तो शायद बताया जाता है कि पार्थिव देव भी नहीं आ पाती थी। कुछ नहीं आया सर, देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं, हम लोगों हमको जो भी पता नहीं है, आदमी मरो है कि हमारे जिंदा है। तो उस समय जब वो गए थे तो आखिरी बार उन्हें कब देखा था आपने? दीपावली को नवंबर में। लीला कुमारी के पिता से मिली जमीन पर बदमाशों ने कब्जा कर लिया और प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। अपनी जमीन पाने की जद्दोजहद में जिला प्रशासन की मनमानी के आगे भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने दिल्ली रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की अपील की, जिस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा एसडीएम का फैसला रोककर वीर नारी को उसके हक की जमीन दिलाए जाने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, खुद भोपाल जाकर लीला कुमारी ने सीएम शिवराज से भी मुलाकात की, जिन्होंने एक आदेश करते हुए तत्काल मदद के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिए, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रदेश के मुखिया के आदेश को भी नजरअंदाज कर दिया। शहीदों के नाम पर बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, उनके परिवारों के लिए बहुत से वादे किए जाते हैं, लेकिन वहीं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले एक शहीद का परिवार आज लाचार नजर आ रहा है। शासन प्रशासन से कुछ मिलना तो दूर, उल्टा वो ज्यादती का शिकार हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब शासन प्रशासन की नींद खुलती है और शहीद के इस परिवार को उनका हक मिल पाता है। समाचार प्लस के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट।